नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ऐसा महाराज बाड़ा विश्व के किसी कोने में नहीं होगा। सभी तार अंडरग्राउंड होंगे और आसमान भी साफ दिखेगा। यह कहना था ज्योतिरादित्य सिंधिया का। उन्होंने यह भी कहा, माधव महाराज के समय जैसा बाड़ा दिखता था वैसा ही दिखेगा। उन्होंने विक्टोरिया मार्केट को जियो साइंस म्यूजियम और गवर्नमेंट प्रेस को इंडस्ट्रियल म्यूजियम बनाने की बात भी कही। प्रधानमंत्री जी के आह्वान में साथ में मिलकर कर रहे हैं। ग्वालियर का विकास और प्रगति सुनिश्चित है। पिछले 3 वर्षों में एक नई श्रृंखला हम लोग ने शुरुआत की है। इस महाराज बाड़े का भी सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया सुचारू रूप से चालू है और एक ऐसा बाड़ा का हम लोग पूर्ण तरीके से निर्माण करेंगे। विक्टोरिया मार्केट जो जल के राख हो गई थी, अब दोबारा अपना भव्य रूप धारण कर रही है और एक जियो साइंस म्यूजियम यहाँ स्थापित होने वाला है। ये गवर्नमेंट प्रेस का बिल्डिंग जो पूर्ण रूप से धराशय हो चुका, रेवेन्यू विभाग से हमने नगर निगम को सौंप दिया गया है। यहाँ भी एक इंडस्ट्रियल म्यूजियम की स्थापना होगी जो ग्वालियर की प्राचीन औद्योगिकरण के इतिहास को यहां प्रकट किया जाएगा। तो चारों तरफ ग्वालियर के 4 चांद लगाने वाले हमारे सभी इमारत, ये स्थान, ये इतिहास, ऐसा महाराज बाड़ा तो शायद देश में क्या विश्व में के किसी कोने में नहीं होगा जो हमारे घर में। लेकिन इसकी सौंदर्यीकरण करनी होगी, इसकी सफाई करनी होगी। आज सुबह ही मैंने बैठक ली है, मैंने कहा ये सब ऊपर के तार गायब हो जाने चाहिए, पूरा आकाश साफ तरीके से जन जन को दिख पाए, पूरे महाराज बाड़े में, पूरे क्षेत्र में, यहां भी पूरा लॉन बिछना चाहिए ताकि मेरी जनता यहां बैठकर बेंच पर, कुर्सियों पर आराम से अपना समय बिता पाए और चारों तरफ से एक सौंदर्यीकरण हो ताकि ये महाराज बाड़ा जैसे पुराने जमाने में, स्टेट जमाने में, माधव महाराज के समय में चमकता था, वो चमकता हुआ सितारा ग्वालियर से पूरे देश में उभरे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Instagram और Facebook को भी आप फॉलो कर सकते हैं।